गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 8 माँ कह एक कहानी, यह भगवान बुद्ध पर आधारित यह एक कविता के माध्यम से यह कहानी बताई गई है। इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म है 1886 इनका जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इस कहानी के माध्यम से हम थोड़ी सी झांकी यह डाल रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे अपने बाल्यकाल की अवस्था में किस प्रकार अपना रहन सहन किया करते थे, अपना स्वभाव, अपना संस्कार। भले वो राजकुमार थे परंतु उनका जो स्वभाव था एक सभ्य मानस की तरह, एक सभ्य इंसान की तरह था। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि मारने वाले से बचाने वाला राज होता है। यह कहानी अर्थात पोयम का ही एक मात्र सूत्र आधार इसमें बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों को हम क्या करते हैं, मार कर खाते हैं। परंतु भगवान बुद्ध हमें यह मैसेज देना चाहते हैं, यह संदेशा देना चाहते हैं कि जिसको मार कर हम खाते हैं तो हम खाते वक्त या खा लेते हैं उस समय एक दिन हम संतुष्ट रहते हैं परंतु दूसरा दिन फिर वैसा ही होता है। यदि हम उसी पर दया का भाव दिखाएं, उसके साथ हम सदव्यवहार करें तो मारने वाले से जो बचाने वाला होता है वो महान कहलाता है। यह बात दर्शाने की कोशिश की। तो देखते हैं हम सीधा कविता। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। भगवान बुद्ध इस कविता के माध्यम से यह मैसेज देना चाहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपके समझ में आए। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद से ही इस कविता में यह सारा संवाद जो है एक बेटे और एक पुत्र अर्थात माँ यशोधरा और बेटा राहुल इनके माध्यम से जो संवाद दर्शाया गया है, जो अपने पिता का चरित्र बताया गया है कि आपके पिता जब ऐसे थे वैसे थे, यह सारी सत्य घटना जब अपने बेटे राहुल को बताती है माता, तो यह सारा संवादात्मक शैली में रखा हुआ है या रचा हुआ है। गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है और जिसे हम पढ़ने वाले हैं, यह भगवान बुद्ध के बचपन की एक घटना का इसमें उल्लेख किया हुआ है जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है और एक छोटा सा बच्चा माँ यशोधरा से बार बार वही आग्रह करता है कि माँ आप क्या करो, मुझे वही कहानी भगवान बुद्ध की अर्थात मेरे पिताजी की वही कहानी आप मुझे क्या करो बताने की कोशिश करो, दोहराने का अर्थात पुनः बताने का आग्रह करो जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित होती है। और इससे यह सिद्धांत स्पष्ट होता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हम कविता की पहली पंक्ति देखते हैं, माँ कह एक कहानी। देखो माँ यह शब्द है और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अर्थात उद्गारवाचक चिन्ह है। माँ यह शब्द जो है बड़ा महान, बड़ा महत्व रखता है जीवन में। माँ यदि नेक रही तो बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और माँ यदि गलत विचारधारा वाली रही तो माँ अपने बच्चों को मिट्टी मोल बिकवा देती है या अपने बच्चों का विनाश कर देती है। परंतु माँ सर्वोपरि रख कर माँ का यह गुणगान किया गया है, माँ का वर्चस्व बताया गया है। आगे देखते हैं, कह कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, माँ कहती है। बेटा बार बार उसे आग्रह कर रहा है कि मम्मी मुझे एक कहानी सुना और वही कहानी सुना जो पहले आपने सुनाई थी। तब उसकी माँ यशोधरा राहुल से कहती है कि आपने मुझे आपकी नानी समझ लिया है। कहती है मुझको यह चेटी और राहुल कहता है कि मुझे मेरे बाल में जो चोटी बांधी हुई है इसके लिए वो कहती है कि चेटी। कहती है यह मुझको चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। और मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी नानी तो नहीं है पर आप मेरी नानी की बेटी हो। कहाँ माँ कह लेटी है बेटी। और माँ यह कहानी कहती है लेटे लेटे यह सारी बात उसे कहती है। राजा था या रानी माँ कह एक कहानी जिसके बारे में आप बता रही हो वो राजा था या कोई अन्य राजा
बड़ा हटी है। माँ यदि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे तो वह माँ का मानधन होता है, अर्थात मान के साथ साथ संपत्ति बढ़ाने का एक जरिया होता है। यूं कहे तो मान सम्मान दिलाता है समाज में, और जैसे ही वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनता है तो वो बनता ही बनता है, परंतु उसके साथ जो धन की प्राप्ति होती है वो असीम होती है। इसके लिए मान के साथ साथ धन की प्राप्ति कराने वाला कौन होता है, तो वो घर का एक कुल दीपक होता है, या वो अपने घर की बेटी होती है जो मान के साथ साथ क्या कराती है, सम्मान भी दिलाती है। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, और सुबह सुबह आपके तात अर्थात आपके पिता से क्या करते थे, उपवन में भ्रमण किया करते थे, बगीचे में घुमा करते थे, जहाँ सुरभि मन मानी और वहां से सुगंध इतना द्रवित हो रहा था, सुगंध इतना प्रवाहित हो रहा था कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस उपवन में तरह तरह के फूल लगे हुए थे, बहुत अन्य अन्य प्रकार के फूल उसमें उपवन में थे, और उसमें से निकलने वाला गंध जो था वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को क्या करता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। आगे देखते हैं, जहां सुरभि मन मानी, हाँ 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 यही कहानी, और हाँ माता श्री मुझे यही कहानी आप क्या करो सुनाने का कष्ट करो। वर्ण वर्ण फूल खिले थे, झलमल झल झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले हिले थे, लहराता था पानी। और वहां उस वन में तरह तरह के फूल खिले थे, और उस फूलों में से जो गंध बह रहा था वह गंध क्या है, अपने ओर आकर्षित कर रहा था। परंतु कहने वाली बात दूसरी क्या थी, उस वृक्षों पर उच्च झाड़ों पर उस पौधों पर क्या थे, हल्के से दव बिंदु थे, पानी के बूंद थे, सपनम के बूंद थे, और जैसे ही हवा का झोंका आता था तो हवा का झोंके के साथ साथ वो सारा का सारा पानी क्या हो जाता था, वहां पर गिर जाता था। और इसके लिए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मानो वह वर्षा का बरसाव करते थे, और वह पानी के झोंके के साथ वो लहराते थे, लहराता था पानी। हाँ 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 यही कहानी जी माँ, यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बुद्ध होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि। और ऐसे ही सुंदर वातावरण में एक हंस का पक्षी, एक पक्षी वहां पर घायल होकर गिरा, कौनसा हंस नामक पक्षी वहां पर घायल होकर, वृद्ध मतलब घायल होकर वहां पर गिरा, बुद्ध होकर खग से हुई पक्ष की हानि। और भगवान बुद्ध ने उनको उस खग पक्षी को अपने आंचल में समा लिया, और ऐसे प्रतीत हुआ मानो उसने नया जीवन नया जन्म सा पा लिया। हुई पक्ष की हानि करना मेरी कहानी, और यही से दुख दर्द भली पीड़ा मेरी कहानी यही से आरंभ होती है। जो उन्होंने उसे उठाया, चौंक गए अचानक, आश्चर्यचकित हो गए, और उस घायल पक्षी को उन्होंने उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। और जैसे उन्होंने उस पक्षी को हाथ में लिया तो ऐसे प्रतीत होता है वह हंस के पक्षी को नया जीवन प्राप्त हो गया। इतने में आखिर आया लक्ष्य सिद्धि का मानी, और उसी समय अचानक वही जगह पर आखिर आखिर अर्थात शिकारी वहां पर आता है, और अपने लक्ष्य सिद्धि का यहाँ पर उन्होंने जो निशाना लगाया था उसको वो खोज रहे हैं, और लक्ष्य सिद्धि जो उन्होंने की थी उसकी वो तलाश कर रहे हैं। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, और वह अपना हक मांगने लगे, मांगा उसने आज पक्षी तेरे दांत किंतु थे रक्षी। उस आखेट ने उस शिकारी ने उस आहत पक्षी को मांगने की कोशिश की, परंतु उसके पिताश्री जो थे, रावण के पिताश्री जो थे, तातश्री जो थे, वह रक्षा करने वाले व्यक्ति थे। किसी भी जीव की उसके सामने हानि हो या उस जीव की हत्या हो ऐसा वो कतई चाहते नहीं थे। तब उसने जो था खगबक्सी हट करने की ठानी, और जो शिकारी व्यक्ति था उसने अपने शिकार को लेने के लिए हट करने लगा, वो हट कर वो प्राप्त करने लगा, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, और वह
वहीं से विषय जो था, मैटर जो था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हुआ विवाद सद सहदय हृदय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी। और यह सारे का सारा जो बात थी कि शिकारी ने भी अपना पक्ष रखा, भगवान बुद्ध ने भी अपना पक्ष रखा, दोनों को सारे के सारे लोगों ने, उस महल में बैठे, राजभवन में बैठे सारे लोगों ने उसकी बात सुनी। सुनी सभी ने जानी और उस बात पर निर्णय लेने की कोशिश भी की। व्यापक हुई कहानी। एक अपना अधिकार मांग रहा था, एक अपने रक्षा हेतु जी लड़ाए बैठा था कि वो नहीं देना चाहता था। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्दय जय हो जिसका, सुन लो तेरी मानी। और माँ यशोधरा राहुल से कहती है कि बेटा आप इसे बताओ कि मारने वाला श्रेष्ठ है या बचाने वाला श्रेष्ठ है, न्याय पक्ष लेता है। तू छोटी सी जबान से यदि कह दे, आपकी दुखली जबान से तू मुझे बोल दे, तो मैं आपकी हर एक बात सुनूंगी। माँ मेरी वाणी, मैं सुन रहा हूँ कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे मारे। और जिसका कोई अपराध ही नहीं है, जिसकी कोई गलती ही नहीं है, और वो व्यक्ति यदि किसी की हत्या करके उसको खाना चाहता है, तो उस निरपराध को मारकर खाना बहुत बड़ा पाप है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे मारे। और कोई निर्धन या निरपराध को कोई मारे तो कोई दूसरा उसकी रक्षा करने आगे नहीं आएगा। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का धानी। हमेशा भक्षक से रक्षक महान होता है, रक्षा करने वाला बड़ा होता है। इसके लिए न्याय शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि जो रक्षा करता है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। भक्षक तो किसी भी दूसरी चीज को खा सकता है। न्याय दया का धानी, तूने सुनी कहानी। और यहाँ पर अलग अलग अंत में राहुल यह बताना चाहते हैं कि माँ आपने सुनी यह कहानी, जो सुनाई मुझे वो बहुत प्रिय लगी, बहुत आनंद आया, परंतु इसमें रक्षा करने वाला सर्वश्रेष्ठ अर्थात मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ पर यह चरितार्थ होती है। आने वाले समय में हम इसके सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। धन्यवाद।